आज जो मुकाबला हुआ, और ये दोनों मुकाबला अगर आप देखिए बहुत ही बड़ा मुकाबला था इस वर्ल्ड कप का, क्योंकि पहली बार ऐसी इस तरह टक्कर टीमें वाली आमने सामने की। शुरुआत में अगर आप देखें जबरदस्त तरीके से शुरुआत हुई थी वेस्ट इंडीज की, थोड़ा स्लो जरूर थे पर रन फिर भी ठीक ठाक थे, लेकिन आखिरी में उस तरीके से नहीं बन पाए। 180 का इन्होंने टारगेट सेट किया, उसके बाद जवाब में जब देखिए 10 ओवर तक इंग्लैंड की टीम लगा कि शायद शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन 10 ओवर तक थोड़ी फंसी नजर आई, मतलब 10वें 11वें ओवर में जब उन्होंने लगातार बैक टू बैक विकेटें आई तो ऐसा लगा कि भाई वेस्ट इंडीज कमबैक कर लेगी, दुनिया भर की बात है। लेकिन फिल शॉल्ट ने जिस तरीके से भाई बल्लेबाजी करी है, एक ओवर में उन्होंने 30 रन, गेम खत्म भाई, वो अपने आईपीएल वाले टच में वापस आ गए। बिल्कुल भाई, जिस तरीके से फिल शॉर्ट ने बल्लेबाजी की है, जो लंबे लंबे छक्के, जिसके लिए मतलब एक तरीके से इंग्लैंड मिस कर रहा होगा इस चीज को, और वो चीज अब वापस आ गई, ये इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा पारी है यार। यहाँ पर जो मुकाबले होंगे वेस्ट इंडीज में, वहां पर हर मुकाबले में इंग्लैंड गेम में होंगे, और वेस्ट इंडीज को हराने के साथ ही मान के चलूंगा सेमीफाइनल लगभग लगभग पक्का है, क्योंकि उनको अगर आप देखिए एक मुकाबला खेलना है इसमें से, अगर आप देख रहे हैं तो अफ्रीका के साथ है और एक यूएस के साथ, यूएस के साथ है। तो यूएस के साथ अगर मान लीजिए इंग्लैंड जीत जाती है तो फिर उनका मामला डन है। और भाई देखो फिल शॉर्ट के बारे में बात कर रहे थे, फिल शॉर्ट ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलना पसंद भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने 186 के स्ट्राइक रेट से 70 के एवरेज से रन बनाए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और हर तीसरी या चौथी गेंद चौका या छक्का मारा यार। वो अगर आप देखिए खिलाड़ी ही इस तरीके के हैं कि यू एक ऐसा मुकाबला जिसमें लग रहा था रोमांच होगा, ये होगा, वो होगा, वो आते हैं मैच खत्म कर देते। तो भाई वेस्ट इंडीज को हराने के साथ ही अब इंग्लैंड की टीम जो लग रहा था कि सुपर एट पहुंचना बहुत मुश्किल है, वो फिर से अपने खतरनाक अवतार में आ चुकी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये टीम जो है, जो ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि भाई उन्हें डर लगता है इंग्लैंड की टीम से, चैंपियन साइड लग रही है भाई, ये प्रूव कर रहे हैं, ये इंग्लैंड प्रूव कर रही है भाई कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई अभी हमारा गेम खत्म हो गया, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा था इंग्लैंड क्वालिफाई भी नहीं करेगी, लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरीके से बाउंस बैक किया है, उनके बड़े प्लेयर्स जिन प्लेयर्स से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, हम आईपीएल में लगाते थे यही बात कर रहे थे, फिल शॉर्ट जब इंग्लैंड के लिए खेलेंगे तो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं अपने आप में, तो वो आज फिल शॉर्ट ने दिखा दिया है वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के खिलाफ जो उन्होंने बरसे हैं। एक ओवर में 30 रन भाई, जिस तरीके से बल्लेबाजी T20 में ऐसी ही बल्लेबाजी जरूरत है। इस बल्लेबाजी के साथ साथ अगर मैं आपको पॉइंट टेबल बता दूं, इसमें अगर आप देखें जो ग्रुप टू वाला पॉइंट टेबल है, जिसमें इंग्लैंड की टीम है, अफ्रीका है, यूएस है, वेस्ट इंडीज है, इसमें इंग्लैंड की टीम टॉप पर है, क्योंकि उन्होंने एक मुकाबला खेला है, वेस्ट इंडीज में खेला है, और इनका देखिए 2 पॉइंट के साथ साथ +1 में रन रेट भी आ गया है, और इसमें अगर आप देखेंगे एनआरएच जो उनको +1 में, वही वेस्ट इंडीज के अगर आप देखें माइनस में, तो वेस्ट इंडीज के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि दो टीमें अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज को अफ्रीका से भी खेलना है, और यूएस की टीम अगर आप देखिए भाई बहुत हल्की में आप नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, तो इस लिहाज से अगर आप देखिए इवन अफ्रीका ने भी अगर आप देखिए यूएस को हराया है, पर उनका रन रेट बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, और यूएस का रन रेट अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं कि वो -1 में नहीं गए, वेस्ट इंडीज से ऊपर है, क्योंकि उन्होंने फाइट दिखाई, अगर वो वेस्ट इंडीज अगर मान लीजिए यूएस अपने मुकाबले जीतती आगे तो उनका भी चांस बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक पॉइंट टेबल वाली अपडेट है। और अब एक बार फिर से ऋषभ पंत वाली खबर पर आते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के सवाल भी लेते हैं। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग लाइव में जुड़े हैं आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। दरअसल ऋषभ पंत की इंजरी को लेकर हर कोई अपडेट जानना चाह रहा था कि भाई क्या है, तो ऋषभ की जो इंजरी है बहुत ज्यादा गंभीर वाली नहीं है, वो आज का मुकाबला खेलेंगे। संजू ने जरूर अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है, लेकिन वो प्रैक्टिस के तौर पर अगर आप देखें सभी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस जरूरी भी है, लेकिन आज का मुकाबला अगर आप देखेंगे तो ऋषभ पंत ही खेलने वाले हैं। सवाल लेते हैं यहाँ पर ऋतिक भाई करें, हेलो भाई, हेलो ऋतिक भाई कैसे हैं? गुजर करें कि इंग्लैंड ऑलमोस्ट क्वालिफाइड टू सेमीफाइनल बिकॉज एक मैच यूएस के साथ है। बिल्कुल भाई, और सवाल ये हम भी इसी पर चर्चा कर रहे थे, शुभेंदु भाई आज रोहित फजल फारूकी को पीटेगा। भाई देखिए बैटिंग पिच है ये, तो यहाँ पर अगर आप देखें जाहिर सी बात है यहाँ पर पिटाई होगी उनकी, और अगर आप देखें एक तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर सवाल लेते हैं, थोड़ा सा सवाल लीजिए। इसके अलावा ये वाला हो गया था, जॉली भाई आ गए, जॉली भाई कह रहे हैं अगर बारबाडोस की पिच फ्लैट हुई तो इंडिया आराम से जीतेगी, क्योंकि हमारी बैटिंग फिर अफगानिस्तान पर भारी पड़ेगी और अफगानिस्तान की बैटिंग में ओपनर को आउट कर दो, आधी टीम खत्म। बात वही हमने भाई उनके पास देखिए नजीबुल्ला जादरान मिडिल ऑर्डर में है, ओमर जई भी हो गए, इसके अलावा गुलबदीन नैब भी हो गए, सभी आपको बल्लेबाज लगते जरूर है, तगड़े बल्लेबाज है, पर इनका प्रदर्शन बहुत कम रहता है। नजीबुल्ला जादरान का प्रदर्शन आपको याद ही नहीं होगा कि उन्होंने अच्छा कब खेला था, है बहुत अच्छे खिलाड़ी पर पता नहीं कब खेलते हैं अच्छा। इसके अलावा अगर आप देखिए करीम जन्नत हो गए, पर खिलाड़ी है इनके पास,
लेकिन पूरी डिपेंड रहती है किसके ऊपर, ये गुरबाज के ऊपर और जाबरान के ऊपर, तो इनको आउट करना होगा, पूरा मैच खत्म उसके अलावा। जॉली भाई कह रहे हैं कि इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल होगा मेरे हिसाब से, भाई इंडिया फाइनल खेलेगा मेरे हिसाब से। आलोक नायक कह रहे हैं कि शुभेंदु भाई इमाम पर्ची कैनेडियन आजम को विराट से बड़ा प्लेयर बताता था। यार देखिए इमाम पता नहीं, मुझे लग रहा है कि भाई अगर इमाम को लगता है कि आजम जो है विराट से बड़े हैं तो फिर जाहिर सी बात है उनके बारे में जो बोला जाता है वो सही है। इमाम उल्लाह का अगर आप देखिए बाबर की वजह से टीम में मैच खेलते हैं, उनका कहना जायज भी है। इसके अलावा क्योंकि उनके लिए वही है ना भाई, क्योंकि वही उनको टीम में मौका देते हैं, मौका देते तो उनके लिए तो भाई बड़े हुए यार। जॉली भाई कह रहे हैं कि अगर बारबाडोस की पिच फ्लैट, आपने सवाल ले लिया, ये सवाल ले लिया। बॉबी पटेल कह रहे हैं कि अरे भाई फेक न्यूज चला रहे हैं, फेक न्यूज नहीं भाई, अगर आप देखिए आपको लगता है फेक न्यूज है तो फिर भाई आप ये देखिए तस्वीरें भी देख सकते हैं कि ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजी करने के बाद उनको तीन बार बॉल हिट करती है, एक बार पैर में हिट करती है, पैर के जो अंगूठा होता है वहां पर हिट करती है, उसके बाद एक बार हैंड में मतलब हाथ के उनको हाथ में हिट करती है और फिर हेलमेट में रखती है। तो ऋषभ पंत वहां पर थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं, पानी वानी पीते हैं, राहुल द्रविड़ से बात करते हैं, आप देख सकते हैं राहुल द्रविड़ से वो लगातार बातचीत कर भी रहे हैं, और फिर इसके बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने नहीं आते। उसके पहले ऋषभ पंत ने लगातार बहुत देर तक बल्लेबाजी भी की थी, उसके बाद संजू सैमसन ने बल्लेबाजी की है, तो ये अपडेट थी। लेकिन इनके गेंदबाजी अगर आप देखें तो भाई वो खतरा पैदा कर सकती है, उनके पास पूरा अगर आप देखिए काबिलियत है, वो आपको जल्दी ऑल आउट कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर दूं, जो ऋषभ पंत को लेकर बड़ी अपडेट आ गई, ऋषभ पंत कल भारतीय टीम का जो प्रैक्टिस सेशन था उस दौरान वो चोटिल हो गए थे, उनके बाएं पैर में अंगूठी में चोट लग गई थी, लेकिन जो कि प्रैक्टिस के दौरान तीन बार उनको चोट लगी, इस दौरान वो बाहर चले गए और फिर उस दौरान संजू सैमसन ने खूब प्रैक्टिस करी है। तो ये एक टीम इंडिया के लिए अगर आप देखें नेगेटिव वाली खबर है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये चोट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है कि भाई ये मुकाबला मिस कर जाए, और हम सभी चाहेंगे कि भाई ऋषभ पंत आज का मुकाबला खेले। नंबर तीन के अलावा अगर आप देखें उनके विकेट कीपिंग जैसी रही है, हर मुकाबले में जैसे उन्होंने कैचिंग करी, इवन पाकिस्तान वाले मुकाबले में अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो कैच से भी मैच जितवाया था उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से उनकी बैटिंग थी 30-40 रन उनके थे, उसके बाद तीन कैचेस दिए, तीन कैच और एक रिव्यू में भी है। हाँ, रिव्यू में अगर आप देखिए तो उस्मान खान वाला रिव्यू था, उसमें उनका विशेष योगदान था, साथ ही जो फखर जमान का कैच था बहुत इंपॉर्टेंट कैच था उस फेज में भाई, तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो। और इसके साथ ही एक और खबर पर बात कर लेते हैं, दरअसल आज एक और मुकाबला खेला गया आईपीएल में, आज मुकाबला खेला गया, ये चेंज कर दीजिए नीचे से जो चला वो वेस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड।